भी आप कमेंट कीजिएगा कि इस पे जो सियासत ना की जाए, और हर दफा हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट के बजाय अपोजिशन में होता है वो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। पहली बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शंस जो हुए हैं वो सही है कि सही नहीं है, कब करना था, कब रोकना था, ट्रैफिक को उधर नहीं रोकना था, बाद में रोकना था, ये तो एक माइनर मैटर है। इस पे मेरे ख्याल में कोई खास आई डोंट नो, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं कहने के किधर रोकता किधर है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक एक क्या कहेंगे, एक मूवमेंट, एक मूवमेंट काफिर से पैसे लेती है, काफिर से पैसे लेती है, दुश्मन से पैसे लेती है, मैं मान नहीं सकता, मुझे सबूत चाहिए। और अगर इनकी मूवमेंट, और मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता क्यों लिया, मुझे नहीं पता क्या शर्त पे लिया, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि नहीं लिया, गवर्नमेंट कहती है लिया, काफिर से पैसे लेके लोगों को और मुसलमान के साथ लड़ना, काफिर से पैसे लेके मुसलमानों के साथ लड़ना, माय गॉड, क्या इसमें आप नहीं देखते हैं क्या है? आप नहीं समझते हैं कि किसका एजेंडा पे कौन काम कर रहा है? वो भूल जाएंगे क्या? मैं कहता हूं बड़ा सेंसिटिव मामला है, मेरे लिए बहुत सेंसिटिव मामला है। ये आदमी जो है इमरान खान, इससे ज्यादा रसूल अल्लाह का के बारे में किसी ने नहीं ज्यादा पब्लिसिटी दी है और कहा है कि और सबसे ज्यादा नामूस रिसालत की इंटरनेशनल फोरम्स पे बात की है, हर जगह बात उठाई है उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से, इसमें तो कुछ एग्जैक्टली और इसके खिलाफ एक मूवमेंट, इसके 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 हुकूमत के खिलाफ एक मूवमेंट काफर से पैसे लेती है, दुश्मन काफर से लेती है। अगेन इस पे वही बात है कि ये प्रूफ्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अगेन उसमें इमरान साहब ये भी तो बात है ना कि ये बेसिकली तो ये उनका ये कहना है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो इस पे आ चुका है कि अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये सारी सिचुएशन है। देखिए हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत संगीन इल्जाम हुकूमत की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि हिलाली साहब ये इल्जाम आए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरह, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि एक जमात, एक दीनी जमात या कोई मजहबी जमात अगर हमारे दुश्मन मुल्क काफर मुल्क से पैसे ले रही है तो ये एक ऐसा संगीन इल्जाम है जिसको फौरी तौर पर सबूतों के साथ अवाम के सामने लाना चाहिए। आप अवाम के सामने वो सबूत पेश करें ताकि वो जो भी है वो नंगा हो और आवाम की सपोर्ट ना उसे, आवाम की सपोर्ट क्या, आवाम उससे आप देखेंगे कि आवाम उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे, आवाम फौरी तौर पे डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बातों में ही कह दें कि जनाब वो तो इंडिया से पैसे ले रहे हैं, वो तो फलां से पैसे ले रहे हैं, फिर आपकी जो बात पे कोई बंदा भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वतीरा ये होता है कि आप फौरी तौर पे सबसे आसान हल ये होता है कि आप दुश्मन का एजेंट होने का इल्जाम ले, गद्दारी के फतवे हम सांसदानों को भी मुल्क में बांट रहे होते हैं, कुफर का फतवा, अल्लाह माफ करे, गद्दारी का फतवा, ये ऐसी चीजें हैं जो सबसे यहाँ पे आम है। ठीक है, चलें अब इसको थोड़ा सा आगे चलें ना एडमिनिस्ट्रेटिवली, अब पाकिस्तान को करना क्या है, रियासत पाकिस्तान का हल इस जिस तरफ जा रहा है इस वक्त सिचुएशन ये डेंजरस है, अब क्या होना चाहिए आपके ख्याल से, बातचीत करें या जिस तरह से रेंजर्स को बुलाया जा रहा है बाय फोर्स इसको करना चाहिए टैकल, क्या कहना चाहिए? मेरी जाती राय है कि कौमी सलामती कमेटी में जो फैसले हो गए हैं उस पर अमल होना चाहिए। देखें आप किस वक्त तक अनार्की फैलने का इंतजार करते रहेंगे? आप मुज़ाकरात, तो दुनिया में कोई बंदा भी, कोई ज़ई शऊर मुज़ाकरात की अहमियत से इनकार कर नहीं सकता, कोई भी, इसलिए आप मुज़ाकरात जरूर करें। और आज शेख रशीद साहब ने फरमाया भी कि शायद मुज़ाकरात हों, लेकिन क्या अगर मुज़ाकरात बेनतीजा रहेंगे और कितने दिन तक बेनतीजा रहेंगे तो आप उसका इंतजार करते रहेंगे? ठीक है, हुकूमत क्या अपनी रिट कायम करने के लिए, जो हुकूमत कई दफा कह रही है कि जी हुकूमती रिट कायम रखी जाएगी, तो उस रिट को कायम रखने के लिए कब अमली इकदाम करेगी, पैमाना क्या होगा, किस लिमिट तक जाएंगे? ठीक है हिलाल साहब, आपका लास्ट कॉमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सीधी बात है, गवर्नमेंट में दो हिंदू भाइयों का नाम दिया है यूएई में,
हिम्मत लाल है, कुछ और कुछ है, बैंक अकाउंट नंबर है उनके, किसको आया है उसका नाम उनके पास है, किसको पैसे रिमिट हुए हैं, किसने फायदा, वो पैसे किसके अकाउंट में आए हैं और किसका रिश्तेदार है वो, और उसका और टीएलपी का क्या रिलेशनशिप है, ये निकाल के बता दें। उसके बाद उनको कहने की कुछ जरूरत नहीं है भाई, इसलिए कि ये जो मूवमेंट है इसमें किसी का फायदा नहीं है और सबका नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान का नुकसान है दिली स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, तबाह कुन असर होगा। तो अगर ये प्रूव हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा, एटलीस्ट मैं समझूंगा। और ये इमरान साहब की बात भी बड़ी साहिब है, हिलाली साहब आप इस पे भी जरूर मेरा ख्याल है एग्री करेंगे कि एक ही दफा इन चीजों के लिए एक लाहे अमल तय कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो सबके लिए उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बजाय इसके कि हम बार बार लोगों से ब्लैकमेल हों या बार बार हम लोगों को ये परेशान करें, उससे बेहतर ये है कि हम एक दफा चीजें तय कर लें और फिर सब उस पर अग्री करें और फिर कोई दूसरी तरफ ना जाके खड़ा हो बाद में। मगर एक इदारा तो है ना, एक इदारा तो है इधर, आई अग्री, मगर एक इदारा है, वो इस्लामिक काउंसिल एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, हमें कोई नया इदारा बनाने की कोई जरूरत नहीं, नहीं है। नहीं, इदारा बनाने की बात हो रही है, डिस्कशन नहीं, इदारा नहीं। हिलाली साहब मैं ये कह रहा हूँ, इदारे की तो मैंने बात नहीं की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके वजीर आजम साहब खुद इनिशिएटिव लें और एक ये फैसला किया जाए जिसमें तमाम लोग एग्री हो और उसके बाद वो हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट कर दिए। तो उलमाए कराम को भी इसमें बिठाएं और उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है ताकि वो एक जो एक कंसेंसस है वो मैं कहता हूँ कि उलमाए कराम हो, मशाए कराम हो और उसमें तमाम सियासी और दीनी जमातें हों ताकि कोई मकतबा फिक्र जो कोई भी स्टेक होल्डर इसमें ऐसा ना हो जो इमरान याकूब साहब ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपके, बड़ा अच्छा प्रपोजल है, मगर इस मुल्क में हर आदमी किसी इस किस्म का अग्रीमेंट कभी ख्वाब में भी नहीं होता है कि आप सबको अग्री करवा लें, इस पे होता ही नहीं है इधर, कोई भी नहीं आएगा कि लेकिन कोई मिनिमम ऐसी चीजें तो होंगी ना कुछ मिनिमम कोई एजेंडे पे तो सब। सर 73 का आयन भी तो बन गया था ना, जब इरादा हो जाता है तो फिर चीजें बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल सकता है। 73 का आइन तो जरूर बना था, मगर जिस दिन वो आइन पास हुआ 5 मिनट के अंदर ह्यूमन राइट सस्पेंड हो गए 7 साल। चले जी, लेट्स सी के हुकूमत कुछ वाइजली डिसाइड करे और फिर ये कि जो भी उसमें सूरत हाल है उसको क्लियर करे, खुद भी अपनी कंफ्यूजन दूर करे, अवाम की भी कंफ्यूजन दूर करे और उसके बाद जो भी मामला तय होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी